गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा येस्टरडे आई टोट यू पैराग्राफ नंबर 1 के, सो टुडे आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ। बट देन अगेन अदर सैड देयर वर सम थिंग्स विच कुड नॉट वेट टू बी लेड। बेटा दोबारा किसी ने कहा कि कुछ चीज ऐसी होती हैं कि जो कि किसी काउंसिल के सामने नहीं रखी जा सकती। बट अबाउट विच वन हैड एट वंस टू डिसाइड वेदर टू अंडरटेक देम और नॉट। फिर एकदम से कोई ये कैसे डिसाइड करेगा कि उन्हें हमें करना है या नहीं करना। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट, लेकिन ये डिसाइड करने के लिए वन मस्ट नो बिफोर हैंड, किसी भी व्यक्ति को पहले से ही ये जानना आवश्यक है व्हाट वॉज गोइंग टू हैपन, कि आगे क्या होगा। इट इज ओनली मैजिशियन, केवल मैजिशियन हु नो दैट, ये जान सकते हैं। एंड देयर फोर इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम, और इसीलिए राइट टाइम जानने के लिए, किसी भी काम को करने का राइट टाइम जानने के लिए, वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियन, किसी को भी मैजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। इक्वली वेरियस वर द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। जो लर्न्ड पीपल आए थे, विद्वान व्यक्ति आए थे, उन्होंने इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन के भी आंसर अलग अलग ही दिए। सम सैड, कुछ ने कहा, द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड, वो व्यक्ति जो किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके काउंसलर्स हैं, कुछ ने कहा प्रीस्ट्स हैं, कुछ ने कहा डॉक्टर्स हैं, वाइल सम सैड, जबकि कुछ ने कहा वॉरियर्स, उसके योद्धा हैं, वर द मोस्ट नेसेसरी, किंग के लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के लिए, एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, यानी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज कौन सी है। सम रेप्लाइड, कुछ ने आंसर दिया, दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड वाज साइंस, कि साइंस सीखना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अदर साइड कुछ ने कहा, इट वाज स्किल इन वारफेयर, युद्ध की कला को सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कुछ ने कहा अगेन, दैट इट वाज रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा पाठ करना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है किसी भी पर्सन के लिए। ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट, सारे आंसर्स डिफरेंट थे, द किंग एग्रीड विद नन ऑफ देम, किंग किसी के भी साथ एग्री नहीं हुआ, किसी भी क्वेश्चन के आंसर से एग्री नहीं हुआ। एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, और किसी को भी उसने रिवॉर्ड नहीं दिया। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, लेकिन वो अब भी अपने क्वेश्चंस के राइट आंसर जानना चाहता था। ही डिसाइडेड टू कंसल्ट अ हर्मिट, उसने एक हर्मिट से कंसल्ट करने की सोची। वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए फेमस था, रिनाउंड मीन्स फेमस। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, हर्मिट जंगल में रहता था, विच ही नेवर क्विटेड, जिसको वो कभी भी नहीं छोड़ता था। एंड ही रिसीव्ड नन, और वो किसी से भी नहीं मिलता था, बट कॉमन फोक, किसके अलावा, केवल साधारण कॉमन मैन के अलावा, साधारण लोगों के अलावा वो किसी से भी नहीं मिलता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, इसीलिए किंग ने सिंपल क्लोथ्स को पहन लिया। पुट ऑन मीन्स वियर करना, पहनना। एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल, हर्मिट की सेल पर पहुंचने से पहले, डिसमाउंटेड, वो उतर गया फ्रॉम हिज हॉर्स, अपने घोड़े से। एंड लीविंग हिज बॉडीगार्ड्स बिहाइंड, और अपने बॉडीगार्ड्स को भी उसने पीछे छोड़ दिया। वेंट ऑन अलोन, और केवल अकेला गया। व्हेन द किंग अप्रोच्ड, जब किंग हर्मिट के पास पहुंचा, द हर्मिट वॉज डिगिंग अर्थ, हर्मिट अर्थ को डिगिंग कर रहा था। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी हट के सामने, सीइंग द किंग, राजा को देखकर, ही ग्रीटेड हिम, वो उससे मिला। एंड वेंट ऑन डिगिंग, फिर वो क्या करने लगा, यानी उसने किंग के हालचाल पूछे और वो फिर से डिगिंग करने लगा। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, हर्मिट बहुत कमजोर और फ्रेल था। एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड, और हर बार वो अपनी स्पेड को ग्राउंड में स्टक करता था। एंड टर्न्ड अ लिटिल अर्थ, और बहुत थोड़ी सी मिट्टी खोदता था। ही ब्रीथेड हैवीली, वो बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू हिम, राजा उसके पास गया। एंड सैड, और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चंस, अपने तीन क्वेश्चंस के आंसर जानने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं ये कैसे सीख सकता हूँ कि मैं सही समय पर ही सही काम करूँ। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, वो कौन सा पीपल है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड टू हुम शुड आई therefore pay more attentions than to the rest, और वो कौन सा काम है जिस पर मुझे
नहीं, कौन सा व्यक्ति है जिस पर मुझे अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन सा काम सबसे इम्पोर्टेंट है, एड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और जिसे मेरी सबसे पहले मेरे अटेंशन की आवश्यकता है। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आज हम यहीं तक करेंगे।